गाइस, अगर आप इंस्टाग्राम में रील्स हमेशा डालते हैं तो ये वाला रील्स बनाकर जरूर डालें। ये रील्स इस टाइम ट्रेंडिंग में है। अगर आप ट्रेंडिंग रील्स को बनाकर डालेंगे तो उसमें अच्छे व्यूज आएंगे, जिससे आपके रील्स के वायरल होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो आप ट्रेंडिंग रील्स हमेशा बनाकर डाला करें। ये रील्स आप कैसे बनाएं, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना कहीं स्किप किए इसे लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस म्यूजिक के रील्स को ओपन कर लेते हैं। अगर आपको ये वाला रील्स नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस रील्स का लिंक दे दूंगी, आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये रील्स ओपन हो जाएगा। वीडियो बनाने के लिए हमें इस रील्स का म्यूजिक चाहिए, उसके लिए मुझे इस रील्स को डाउनलोड करना होगा। तो हम इस 3 डॉट पर क्लिक कर लेते हैं और लिंक पर क्लिक करके इस रील्स के लिंक को कॉपी कर लेते हैं। अब हम बैक आ जाते हैं। अब हम किसी ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं, जैसे कि मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेती हूँ और फिर यहाँ इंस्टाग्राम रील्स डाउनलोड सर्च कर लें। और इस पहले वेबसाइट को ओपन कर लें। अब यहाँ पर उस लिंक को पेस्ट कर दें, फिर डाउनलोड पर क्लिक करें। अब नीचे स्क्रॉल कर लेना है और डाउनलोड MP4 पर क्लिक करें और फिर डाउनलोड पर। अब ये रील्स डाउनलोड हो गया है। रील्स की एडिटिंग के लिए VN ऐप का यूज़ करेंगे, तो हम VN ऐप को ओपन कर लेते हैं। आप VN ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। अब इस प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं और फिर न्यू प्रोजेक्ट पर। अब यहाँ पर एक वीडियो और 4 फोटो को चूज़ कर लेना है। और फिर इस एरो पर क्लिक कर लेते हैं। अब हम इस वीडियो के साउंड को यहाँ से ऑफ कर देते हैं। हमें इसके रेशियो को चेंज करना है, तो हम ओरिजिनल पर क्लिक कर लेते हैं और फिर यहाँ से इसे 9:16 कर लेते हैं। अब लास्ट में हमें इस ऐप का वॉटरमार्क मिल जा रहा है ब्लैक कलर का, तो हम इस पर क्लिक करके इसे यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। म्यूज़िक ऐड करने के लिए हम टैप टू ऐड म्यूज़िक पर क्लिक कर लेते हैं और फिर म्यूज़िक पर। अब यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हमें एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो का एक ऑप्शन मिल जा रहा है, इसे हम चूज़ कर लेते हैं। और अभी हमने जो रील्स को डाउनलोड किया था उसे यहाँ से चूज़ कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। अब इस पहले वाले म्यूज़िक को चूज़ कर लेते हैं और फिर राइट के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा म्यूज़िक ऐड हो गया है। अब यहाँ पर हम इस तरह से इसे जूम कर लेते हैं, जिससे कि एडिटिंग करना इजी हो जाए। और अब इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर ट्रिम के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब इसे हम 5.95 सेकंड तक इसे एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद अब हम इस आइकन पर क्लिक कर लेते हैं और फिर पहले फ़ोटो पर आ जाते हैं और इसे 0.97 तक एडजस्ट करना है, तो इसके लिए हम 1 सेकंड वाले को चूज़ कर लेते हैं और इसे 0.97 सेकंड तक एडजस्ट कर लेते हैं। और अब इसी आइकन पर क्लिक करके दूसरे फ़ोटो पर आ जाते हैं और इसे 1.31 सेकंड तक एडजस्ट करना है। और अब इसी आइकन पर क्लिक करके तीसरे फोटो पर आ जाते हैं और इसे 0.96 सेकंड तक एडजस्ट कर लेते हैं। अब चौथे फोटो पर आ जाते हैं और इसे 1.37 सेकंड तक एडजस्ट कर लेते हैं।
और अब राइट के आइकन पर क्लिक करेंगे। अब हमें टेक्स्ट को लिखना है तो हम टैब टू ऐड सबटाइटल पर क्लिक कर लेते हैं और फिर टेक्स्ट पर, और अब ऐड ए हेडिंग पर क्लिक कर लेते हैं और अब यहाँ पर हम माई दैट्स हर फोटो लिख लेते हैं। इस FF पर क्लिक करके फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर लेते हैं यहाँ से। और फिर इस पर क्लिक करके फॉन्ट के कलर को, और अब अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर लेना है। अब ये जो फॉन्ट है इसे हमें वीडियो तक लगाना है तो हम इस तरह से इसे लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम इस टेक्स्ट को वीडियो तक एडजस्ट कर लेते हैं। और इसे वीडियो में जहाँ पर रखना है इसे इस तरह से रख लेते हैं। और अब हम इसे प्ले करके चेक कर लेते हैं। और फिर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सेव कर लेते हैं। अब इसे 100% हो जाने देते हैं। अब मैं आपको गैलरी में ओपन करके दिखा देती हूँ कि हमारा वीडियो कैसा बना है। इसी तरह से आप बहुत ही आसानी से इस तरह के रील्स को बना सकते हैं। इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस मैं हमेशा लाती रहती हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि हमारी वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।